नमस्कार, द क्राइम शो में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। क्राइम शो में आज सबसे पहले बात करेंगे डबल मर्डर और दहशत। राजधानी रायपुर में लगातार क्राइम के जो मामले सामने आ रहे हैं उसने पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या पुलिस सो रही है? क्या प्रशासन अपराधियों के सामने हार मान चुकी है? क्या इन अपराधियों में अब पुलिस का कोई खौफ नहीं है? ये सारे सवाल राजधानी में क्राइम के बढ़ते ग्राफ की वजह से खड़े हो रहे हैं। बीती रात भी रायपुर में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने राजधानी के लोग अब डरे हुए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य समय के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ राज्य में क्राइम का भी जोरदार विकास हुआ है। अब आपराधिक गतिविधियां बस्तर और नक्सलियों तक सीमित नहीं है। हालात अब ये हैं कि राज्य की राजधानी रायपुर में भी लगातार हत्या जैसे संगीन मामले देखे जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हत्या के वारदात सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं हो रहे, बल्कि दिन दहाड़े भारी भीड़ के बीच लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा। ये साफ दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है और अपराधियों को ना ही पुलिस का डर है और ना ही पनिशमेंट का। रायपुर को अपराध की राजधानी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अपराधी बेखौफ है। यहाँ खौफ में है तो सिर्फ आम जनता, जो हर दम अपराधियों के आतंक के साए में जी रही है। बीती रात भी रायपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। विधानसभा थाना इलाका डबल मर्डर से दहल गया। सड्डू शराब भट्टी में पहले दो पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक के बाद एक दो मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के रोहित सागर को शराब भट्टी में ही चाकुओं से गोद कर मार डाला। इसके बाद गुस्साए लोगों ने रोहित की मौत के बाद दूसरे पक्ष के हरीश साहू को उठा लिया और बाजार चौक से उठाकर सड्डू बड़ा बस्ती ले गए, जहाँ डंडे से पीट कर और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। रायपुर की सड्डू शराब भट्टी जहां पर डबल मर्डर हुआ या डबल मर्डर की शुरुआत हुई, उसकी तस्वीर आप हम दिखा रहे हैं और यही वो काउंटर है जहां पर डबल मर्डर की शुरुआत हुई। उसके पहले हम कोशिश करेंगे मोबाइल में आपको दिखा दें। देखिए मारपीट हो रही है, दो रॉड आपको दिखाई देगी, कुछ युवक हैं जो मारपीट कर रहे हैं और यहाँ पर काउंटर पे जो लोग खड़े थे उनसे मारपीट की गई और आपको देखेंगे कि चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है, एक चश्मा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। मारपीट करते हुए युवक सर में और पेट में चाकू कवार करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं, जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई रात डूब चुकी थी ऐसी वाली घटना नहीं है, शाम को ही पूरी वारदात हुई है। 6:30 बजे का समय था, विवाद शुरू होता है और उस पर दो युवकों की हत्या हो जाती है। एक तो आपको बता दें कि हरीश की हत्या हुई है, दूसरी रोहित सागर की हत्या हुई है। इसमें परिजन बताते हैं कि एक को घर से मतलब मोहल्ले से उठाकर उरकुरा के पास उसकी हत्या की गई है। किनकी मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, थोड़ा कुछ बताएं। अभी तक जितना जो जानकारी मिला है उसमें आमा सिवनी का जो शराब भट्टी है उसके पास शाम को रात के लगभग 9 बजे एक घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू से मारा गया था, जिसमें 3 लोग घायल थे और जिनको अस्पताल थाना प्रभारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके ले जाया गया था। इसमें अस्पताल में इलाज के दौरान मेकाहारा में 2 घायल है और 1 की मृत्यु हो गई है। थाने की और जहां पर मृत्यु हुई है, जहां मारा गया, वो किलोमीटर कितना किलोमीटर का दूरी होगा सर? वो लगभग 3 किलोमीटर होगा। तो मतलब उठा के ले जाके मारे हैं, कैसे गए? उसको उठा के ले गए हैं कि अपने स्वेच्छा से गया था, उसी की भी जाँच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो पहले इनका भी रंजिश हुआ था, कुछ चीज को लड़ाई झगड़ा, और शराब भट्टी में भी दारू पीने के दौरान इनके आसपास में लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा पता चला है। तो संदेहियों को पुलिस जो है जीरोइंग कर रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, तो कब तक इस मामले का खुलासा होगा ये देखने वाली बात रहेगी। राजधानी रायपुर में ये इस तरह की पहली वारदात नहीं है। बात आंकड़ों की करें तो इससे पहले 24 सितंबर को न्यू राजेंद्र नगर में 3 युवकों पर चाकू से हमला किया गया था। 23 सितंबर को ड्राइवर की चाकू मार कर मरीन ड्राइव में हत्या कर दी गई थी। 19 सितंबर को झांकी के दिन हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई थी। 16 सितंबर को मरीन ड्राइव के पास की हत्या की गई। 6 सितंबर को पुरानी बस्ती थाना इलाके में भाई ने भाई की हत्या कर दी। 26 अगस्त को रायपुर के रामनगर में युवक की हत्या कर दी गई। 18 अगस्त को दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। तो 28 जुलाई को मांढर इलाके में भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बन गया है। यहाँ अपराधी बेखौफ है और पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही।
खतरे में है तो सिर्फ आम जनता, जिसे पता नहीं कब किस हत्यारे का सामना करना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। तो रायपुर में विधानसभा थाना इलाके में हुआ डबल मर्डर मामले में एक बड़ा अपडेट है। खालबाड़ा के लोगों का यह कहना है कि हरीश साहू का अपहरण नहीं हुआ था, हरीश एक अन्य युवा के साथ खुद बाइक से खालबाड़ा पहुंचा था, यह अपडेट है। जबकि मृतक हरीश साहू के परिजनों का आरोप है कि मामा आमा सिवनी से हरीश का अपहरण हुआ था और इस पूरे मामले की जांच विधानसभा थाना पुलिस कर रही है। मौके पर मौजूद लोगों से बात की है हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सोमवार को विधानसभा थाने में हुए डबल मर्डर में एक बड़ा अपडेट है। इस पे जो कल घटना हुई थी, आपको बता दें कि दो लोगों की जान गई थी, रोहित सागर और हरीश साहू। रोहित सागर यहीं पर रहता था। इस पे ये बात पता आ रही है कि विधानसभा में जो विवाद हुआ उस पे रोहित सागर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ और अस्पताल जाने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अब एक बात उस पे ये निकल कर आई थी, पुलिस कह रही थी कि हरीश साहू को किडनैप करके खालबाड़ा लाया गया या किसी के साथ वो आया या खुद आया, क्योंकि आमा सिवनी के लोग बोल रहे थे कि उसका अपहरण करके खालबाड़ा लाया गया था। लेकिन एक चश्मदीद हमें मिला है जिसने देखा था कि हरीश साहू खुद यहाँ पर आया था। कल कितने बजे की बात है, आप क्या कर रहे थे, बताएंगे क्या हुआ? करीबन समय तो मेरे को उतना मालूम, हाँ सही कुछ होगा। तो यहाँ से दो लड़के बाइक में आए और लड़के लोग एक झने ना फिर छोड़ के भाग गए, उसके खून में लथपथ थे उन लोग और मारने के तगाद में आए थे। आप लोगों को जब सूचना मिली कि रोहित को चोट मिल गई है तो उस समय आप कहाँ थे, फिर क्या किया? हम घर में थे, हम घर में था, हम कॉल आया हम को तुरंत, वो फोन लगावा हम को मतलब कि आप बोल के, तो हम तुरंत गए वहाँ से ऑटो बुक करके, यहाँ से तुरंत रिक्शा में गए थे हम। तो मैं वहाँ से उठा के लेके आया भट्टी से और भट्टी में बिहान हॉस्पिटल डाला हूँ। तो बोले बिहान हॉस्पिटल बोले कि इलाज नहीं हो पाएगा, यहाँ मेकारा लेके जाओ। तो हम मेकारा बोले तुरंत बुलाए, फिर वहीं हम चले गए थे, माँ भी थी मेरी और सब चले गए। कितनी चोट लगी हुई थी रोहित को? रोहित को यहाँ सीना पूरा, पेट वेट में पूरा। अपने आप में एक बड़ा जो है क्लू ये है कि हरीश खुद यहाँ गाड़ी से आया था, हालांकि बाद में विवाद हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन एक गुत्थी तो सुव्यवस्थित दिखाई दे रही कि अपहरण वाली जो बात थी कहीं ना कहीं गलत है। हरीश क्यों आया था यहाँ पर, वो जिस लड़के के साथ था, इसका जवाब तो वही दे पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस क्लियर कुछ भी नहीं बता पा रही, देखते कब तक मामले का खुलासा होता है। कैमरा योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। पत्थल गांव में एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी और सास को डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। देखिए हत्या की इस वारदात की एक खास रिपोर्ट। जमीन पर खून से सनी ये लाशें उस वारदात की निशानी हैं जिसमें एक नशेड़ी पति ने नशे में अपनी अर्धांगिनी और अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला पत्थलगांव के खजरी ढाब गांव का है। यहां सोमवार देर शाम घरेलू विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी और सास को डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और सास की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही कोतबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी सुबह से ही घर पर देसी शराब पीकर लड़ाई कर रहा था। शाम होते होते नशे का खुमार इस कदर चढ़ा कि उसने न तो रिश्तों की कोई कद्र की और न ही किसी के जीवन की। आरोपी ने मामूली कहासुनी से शुरू हुए विवाद के बाद पत्नी और सास की हत्या कर दी और हत्या के बाद पुलिस मौके से सबूत जुटा रही है। पीर सागर यादव नाम के एक शख्स ने मामूली से विवाद को लेकर शराब के नशे में अपनी पत्नी तथा अपनी सास का लकड़ी के फाड़े से संघातक चोटें कारित करके हत्या कर दी है। वो अभी फरार है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस की टीम सक्रियता से लगी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के उपरांत अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस हत्या में मौत की वजह मामूली बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो रही वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है शराब, जिसने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया। रमेश शर्मा, IBC 24 पत्थलगांव। खबर ग्वालियर से।
जहां इश्क पर चढ़ गया लहू का रंग, पहले इश्क का खुमार चढ़ा, फिर वो जुनून बन जहान में हावी हो गया। महबूब की हर बात मीठी लगने लगी और खूबसूरत सपने सजने लगे, लेकिन जब वही सपने चकनाचूर हुए तो फिर शुरू हुई तकरार, और वही तकरार आखिर में बन गई गुनाह की वजह। इश्क पर इंतकाम भारी, गुस्से के आगे मोहब्बत हारी, मौत का तांडव गोलियों की गूंज। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, जुनून की आंधी है, प्यार में मरना है और फिर हद से गुजरना है। ग्वालियर के दौराव गांव में अल सुबह जब एक बेटी अपने पति के साथ मायके पहुंचती है तो सोचती है कि माँ और बहन उसे देखकर खुशी से चौंक जाएंगी, लेकिन घर का नजारा देख वो खुद चौंक गई। 65 साल की बुजुर्ग महिला मीरा और उसकी बेटी रज्जो खून से लथपथ हालत में मिलते हैं। माँ मीरा की सांसें थम चुकी थी, लेकिन बेटी रज्जो अब भी मौत से जूझ रही थी। ये नजारा देखकर चीख पुकार मच जाती है, हर तरफ मातम पसर जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और रज्जो को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। रज्जो की हालत नाजुक है, लेकिन इससे भी नाजुक है इस गुनाह से जुड़े तार। मेरा भाई में गोली मार गया, चार गुंडा लाए, सोते समय में गोली मारता। पुलिस के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि रज्जो का आशिक विष्णु पंडित है। रज्जो का पास के ही खेरिया जौरा में रहने वाले विष्णु पंडित के साथ प्रेम संबंध था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। प्रेमी विष्णु पंडित का रज्जो के घर आना जाना भी था। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिस पर रज्जो की मां मीरा ने विष्णु पंडित को बेइज्जत कर घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद घर के मर्द जब खेतों में पानी देने गए तो आरोपी विष्णु पंडित ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्रेमिका रज्जो और उसकी मां मीरा का सीना गोलियों से छलनी कर दिया और फरार हो गया। विष्णु शर्मा को रज्जो भाई के ऊपर उनके चरित्र को लेकर संदेह हुआ कि किसी अन्य से संबंध है। इस बात पर कल रात्रि में 3 बजे विष्णु शर्मा आया और विवाद करने लगा, तो इनकी माँ मीरा भाई ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो उसने फायर किया, जिससे इनके कान के पास सिर में गोली लगी, इनकी डेथ हो गई। इस हत्याकांड में आरोपी विष्णु के साथ 2 से 3 लोगों के और होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन सवाल उठते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो मोहब्बत के रिश्ते में चूड़ियों की खनक की जगह गोलियों की गूंज सुनाई दी। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। ग्वालियर में जहां एक प्रेमी का बदला दिखा तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक शादीशुदा प्रेमी के घर पर प्रेमिका की लाश मिली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सवाल उठे कि आखिर वो यहां क्या कैसे पहुंची और क्या कर रही थी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। घर के बाहर जुटी ये भीड़ किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। चरामा शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शादीशुदा युवक के बेडरूम में युवती की लाश मिली। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवक दीपचंद देवांगन को अपने ही समाज की एक युवती से प्रेम था, लेकिन पारिवारिक विवाद की वजह से दोनों की शादी नहीं हो सकी। कुछ महीने पहले ही युवक की शादी दूसरी जगह हुई थी। युवक की गर्भवती पत्नी किसी काम से मायके चली गई, लेकिन युवक चरामा शहर में ही था। सुबह जब देर तक वो नहीं उठा तो पिता ने बेडरूम में देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर एक युवती की लाश पड़ी थी और आरोपी युवक फरार था। पिता ने फौरन इसकी सूचना चारामा पुलिस को दी। देवांगन के घर मिले हैं, जाके देखे हैं। मौके पर घटने स्थल पहुंचकर लड़की का शव देखने पर चोट खरोच का निशान तो नहीं आया, अभी इसका जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद
वारदात की भनक लगते ही युवक के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बताया कि मृत युवती और युवक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। वारदात की रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कमरे में जो भी घटा वो जांच का विषय है। शातिर आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद रात के अंधेरे में ही पत्नी के पास ससुराल पहुंच गया। आरोपी को जैसे ही सुबह घर में पुलिस के पहुंचने की खबर लगी, वो ससुराल से भी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। संवेदनशील है, इसमें जांच रिपोर्ट आने के बाद नहीं कुछ कर पाएंगे, इसमें पर अभी जांच कर रही है पुलिस। युवती की हत्या के बाद कई सवालों के जवाब मिलने बाकी। क्या दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी आरोपी की पत्नी को थी? किस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ? क्या इस वारदात में और भी किरदार शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आरोपी युवक की गिरफ्तारी कब होगी? क्राइम डेस्क के साथ अमित चौबे, IBC 24, कांकी। अगर आप भी उधार देने से किसी को मना करते हैं तो यह खबर आपके लिए। रविवार को ग्वालियर में पैसे उधार ना देने पर मौत और जिंदगी के बीच जंग चल रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से आप समझिए। कोई उधार मांगता है, कई बार हम उधार मांगने वाले को मना कर देते हैं। वजह कोई भी हो, लेकिन पैसा हमारा तो मर्जी भी हमारी सोचते हैं। लेकिन ग्वालियर में पैसे उधार न देना एक शख्स को भारी पड़ गया। एक बदमाश ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा साले को गोली मार दी। जब गोलियों की गूंज सुनाई दी, लोग जमा होते दिखे, तो आरोपी मौका वारदात से फरार हो गए। जीजा साले गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत खराब होता देख लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक लड़का था, उनके साथ 2 लड़के थे, उससे बोला कि गोली दे, तो उसने वहाँ से नीचे से गोली दी और फिर दूसरी गोली मेरे जियाजी में देने के लिए हुए, मैं उनके सामने आ गया, से एक गोली मेरे को लग गई। हाथापाई हुई थी, हाथापाई होके ना ही अजीत ने माउजर निकाली अपनी, जो कि खुद की उसकी लाइसेंस ही है, माउजर निकाल के उसने अनाधुन फायर कर दी। एक ही अपराधी का नाम क्लियर हुआ, बाकी और अभी फुटेज दिखाए जा रहे हैं, उस हिसाब से समीक्षा की जाएगी कि और कितने आरोपी। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास की FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक पहले दोनों पक्षों के बीच फोन पर पैसे उधार न देने को लेकर गाली गलौज होती है। उसके बाद दोनों एक होटल के बाहर मीटिंग फिक्स करते हैं। दोनों पक्ष मिलने पहुंचते हैं, लेकिन मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस हो जाती है और ये बहस तब्दील हो जाती है विवाद में, जिसके बाद एक पक्ष गोली चला देता है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां किसान की हत्या कर दी गई है। गला दबाकर हत्या करने की आशंका है। प्लॉट में किसान की लाश मिली है। रात में प्लॉट की रखवाली करने के लिए किसान गया था। तखतपुर थाना क्षेत्र के पकरिया का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर से किसान की हत्या कर दी गई है। गला दबाकर हत्या करने की आशंका है। प्लॉट में किसान की लाश मिली है। रात में प्लॉट की रखवाली करने के लिए किसान गया हुआ था। तखतपुर थाना क्षेत्र के पकरिया का यह मामला है। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, के किसान की हत्या कर दी गई है, क्या खुलासा उपाय अब तक, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए श्रवण, पकरिया निवासी किसान है राम मनोहर कौशिक, जिनका गांव में ही खेत है। बताया जा रहा है रोजाना की तरह कल भी रात को वो घर से खाना खाकर प्लॉट की रखवाली करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन सुबह देर सुबह तक जब वो वापस नहीं आया, उसके बाद परिजनों ने जब जाकर देखा तो वहां पर किसान की लाश पड़ी हुई थी। जिस तरह से लाश की स्थिति है, ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर किसान की हत्या की गई है, क्योंकि वहां पर जो पंप लगा हुआ था, पंप का जो वायर है उससे किसान के गले को दबाया गया है, क्योंकि किसान के गले में यहाँ पर जो पंप का वायर है वो लपेटा हुआ है। लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि गला दबाकर यहाँ पर किसान की हत्या की गई है। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। घटना की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में भी
फिलहाल बातें स्पष्ट नहीं है क्योंकि पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है, लेकिन परिजन जिस तरह से आशंका जता रहे हैं क्योंकि रोजाना की तरह उनका खेत आना जाना था, ऐसे में आशंका है कि किसी पुराने विवाद में या फिर वही किसी से विवाद के बाद यहां पर किसान की हत्या की गई है। हालांकि फिलहाल तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करे जिसके बाद स्थिति और कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हत्या कौन है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी के लिए।